हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आज बात करेंगे फ्यूचर ट्रेडिंग की एक जबरदस्त स्ट्रेटजी की। इस स्ट्रेटजी को यूज करके आप अपने रिस्क को मिनिमाइज कर पाओगे लेकिन प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर पाओगे। बहुत ही सिंपल सी स्ट्रेटजी है। आप इस स्ट्रेटजी को किसी एक एक्सचेंज के ऊपर नहीं, सभी एक्सचेंज के ऊपर यूज कर पाओगे। चाहे आप इंडियन एक्सचेंज यूज कर रहे हो, चाहे आप इंटरनेशनल एक्सचेंज यूज कर रहे हो, आप फ्यूचर ट्रेडिंग के अंदर बिगिनर लेवल पर हो या आप एक्सपर्ट लेवल के ऊपर हो, आप अगर इस स्ट्रेटजी को फॉलो करोगे तो आपका प्रॉफिट जहां पर $100 होता था वहां पर आपका $200 प्रॉफिट होगा और रिस्क भी मिनिमाइज होगा। क्योंकि हमारा हमारी टीम का हमेशा यही फोकस रहता है कि जो बेसिक लेवल के ऊपर चीजें है ना, हम अगर उनको ही यूज करें तो हमें कहीं पर पेड किसी भी सर्विस की जरूरत नहीं है, हमें किसी भी पेड प्लेटफॉर्म को बाय करने की जरूरत नहीं है। हम बेसिक बाइनांस की एक्सचेंज है, कूकॉइन है, OKX है, बायबिट है, कॉइन DCX है, वजीरएक्स है, किसी भी एक्सचेंज को यूज करके वहां पर फ्यूचर ट्रेडिंग कर सकते हैं। और फ्यूचर ट्रेडिंग के अंदर ये जो स्ट्रेटजी मैं आपको बताने वाला हूं ना, इस स्ट्रेटजी को यूज करके आप बढ़िया प्रॉफिट निकाल सकते हो। तो मैं आपके साथ स्ट्रेटजी डिस्कस करूंगा। स्ट्रेटजी के अंदर 5 गोल्डन रूल है जिनको आपने फॉलो करना है। किसी भी कॉइन के ऊपर, किसी भी एक्सचेंज के ऊपर ये 100% एप्लीकेबल है। आप इसको पहले छोटे लेवल के ऊपर यूज करो, आप जब उसके एक्सपर्ट हो जाओ तो इसको बड़े लेवल के ऊपर बड़ी अमाउंट के साथ भी चूज कर सकते हो। तो जानेंगे कि ये 5 स्टेप कौन से हैं। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए। अगर आप हमारे चैनल के ऊपर नए हो दोस्तों, तो आपको बता दूं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा हमारी ऑफिशियल वेबसाइट का, साथ में लिंक मिलेगा टेलीग्राम और ट्विटर का भी, साथ में इंस्टाग्राम का भी। वहां पर हम डेली क्रिप्टो की अपडेट, टिप्स, ट्रिक्स, कौन सा कॉइन है बाइंग जोन के अंदर है, कौन सा कॉइन है एंट्री लेना है, किस कॉइन के ऊपर एग्जिट करना है, हर एक चीज आपको टाइम टू टाइम देते रहते हैं। और साथ में क्रिप्टो के सिग्नल भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं। बहुत सारे दोस्त हमारे साथ जुड़ के बढ़िया अर्निंग कर रहे हैं डे बाय डे। आप उन सबके प्रूफ हमारे टेलीग्राम चैनल, ट्विटर के ऊपर देख सकते हो। आप भी हमारे साथ जुड़ के फ्री में अर्निंग कर सकते हो। सारे के सारे सोशल मीडिया लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, आप देख रहे हो मेरी स्क्रीन के ऊपर फ्यूचर ट्रेडिंग स्ट्रेटजी 5 गोल्डन रूल्स, 5 ऐसे गोल्डन रूल्स जो आपको फ्यूचर ट्रेडिंग के अंदर अगर इस स्ट्रेटजी को यूज करोगे तो बढ़िया प्रॉफिट देने वाले हैं। पहला रूल क्या है? ट्रेड ओनली इन टॉप क्रिप्टो कॉइन्स। दोस्तों, जब हम फ्यूचर ट्रेडिंग के अंदर बात करते हैं तो हजारों कॉइन है, किस कॉइन के ऊपर ट्रेड करना है, आपका फोकस क्या होना चाहिए, किसी भी ऐरे गहरे नथु खैरे कॉइन के ऊपर आपने ट्रेड नहीं करना। आपने सिर्फ टॉप के जो 50 रैंक या 100 रैंक के कॉइन है उन्हीं में ट्रेड करना है। उनमें से भी आपने देखना है किसकी कैपिटलाइजेशन कितनी बढ़िया है, बिलियन में जिनकी कैपिटलाइजेशन है उन्हीं के ऊपर ट्रेड करो, तो आपको जहां पर आपका रिस्क काफी हद तक पहले ही कम हो जाएगा। क्योंकि जो टॉप 100 रैंक के कॉइन होंगे वहां पर आपको बढ़िया वॉल्यूम भी मिलेगा, वहां पर उन कॉइन्स के यूज केस भी बहुत बढ़िया है, इसीलिए वो क्रिप्टो करेंसी के टॉप के रैंक वाइज कॉइन में आ रहे हैं। पहला रूल यही है कि आपको टॉप के कॉइन को ही पिक करना है। सेकंड रूल, डोंट इन्वेस्ट फुल अमाउंट इन सिंगल ट्रेड। अब होता क्या है, मेरे पास है $1,000, तो मैं क्या करता हूं जब कोई फ्यूचर ट्रेडिंग के अंदर ट्रेड लेता हूं किसी कॉइन के ऊपर, तो सारे का सारा पैसा एक बार भी डाल देता हूं। बहुत बड़ी मिस्टेक। अगर वो ट्रेड आपके लिए ओपोजिट डायरेक्शन में गया तो आपका सारे का सारा फंड वहां पर लिक्विडेट हो जाएगा, आप जीरो पे आ जाओगे। आपने ऐसा नहीं करना, आपने प्रॉपर आपका जो फंड है उसको पहले डिवर्सिफाई करना है। कि मतलब मेरे पास $1,000 है, मैं $1,000 से 2 ट्रेड लेना चाहता हूं, कि ज्यादा से ज्यादा मैं 2 फ्यूचर ट्रेड लूंगा एक टाइम, इससे ज्यादा नहीं लूंगा। तो $500 का फंड आपका डिवर्सिफाई हो गया। अब $500 के लिए आपने एक कॉइन की ट्रेड यूज करनी है, $500 के लिए आपने दूसरे कॉइन की ट्रेड को यूज करना है। तो ऐसे करके आपने अपने फंड को पहले डिवर्सिफाई कर लेना है। ओके, सारे का सारा फंड एक कॉइन या एक ट्रेड के ऊपर नहीं लगाना। अब तीसरा रूल क्या है, बाय एंड सेल इन पार्शियली। अब इस चीज के ऊपर मैंने थोड़े दिन पहले एक वीडियो बनाई थी, आपको मेरे चैनल के ऊपर मिल जाएगी। आपने $1,000 का फंड था, उसको 2 हिस्सों में डिवर्सिफाई कर लिया, $500 रख लिया एक कॉइन के लिए, $500 रख लिया दूसरे कॉइन के लिए। अब $500 के लिए कोई एक कॉइन जहां पर आप ट्रेड लेना चाहते हो, आपने उस कॉइन को देखना है, उस कॉइन के अंदर आपने $500 एक बार नहीं लगा देना, उस $500 को भी 5 हिस्सों में पार्शली डिवाइड कर देना है, यानी कि $100-$100। आपको कॉइन का सिग्नल हम ऑलरेडी अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर देते हैं, हमारी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर मिल जाएगा। जब भी हमारा कोई सिग्नल आता है आपने उस कॉइन के ऊपर ट्रेड लेना, तो $500 एक ही बार नहीं लगा देना। मैं एग्जांपल ले रहा हूं, एक जिसके पास $1,000 है वो 500-500 करके 2 कॉइन के लिए अलग अलग फंड को डिवर्सिफाई कर ले। उसके बाद जो 501 कॉइन के लिए है, जैसे ही आपको ट्रेड लेना है आप उस 500 को भी 5 हिस्सों में $100-$100 करके डिवाइड कर लो। पहली ट्रेड, पहली एंट्री आप लोगे $100 से। अगर आपको वहां पर प्रॉफिट मिलता है तो गुड,
अगर आपको वहां पर प्रॉफिट नहीं लॉस होता है जब मार्केट डाउन डायरेक्शन में जाती है, तो आपको बाकी जो $400 है उसमें से $100 और डाल देना है, उसको एवरेज कर देना है। तो ऐसे करके आप बढ़िया तरीके से अपना रिस्क जो है उसको मिनिमाइज कर पाओगे। ओके दोस्तों, अगर आपको $200 के ऊपर प्रॉफिट आ गया, ठीक है, अगर आपका वहां पर भी लॉस जाता है, लिक्विडेट होने के चांसेस हैं, जहां लिक्विडेट हो भी जाता है तो भी आपके पास $300 पड़ा हुआ है, आप फिर से $100 डालो उसी सेम कॉइन के ऊपर, क्योंकि उसका प्राइस नीचे आया है, इसलिए तो आपका फंड जीरो हुआ है, उसका प्राइस नीचे आया है, वहां पर फिर से एंट्री ले लो। आपने 5 हिस्सों में डिवाइड करके इस तरह से ट्रेड करनी है। अब चौथा रूल, ऑलवेज चेक स्पोर्ट एंड रेजिस्टेंस ऑफ कॉइन। दोस्तों, स्पोर्ट और रेजिस्टेंस मेजर रोल प्ले करती है किसी भी कॉइन्स को सिलेक्ट करते टाइम, और आपको किसी भी कॉइन को सिलेक्ट करना है तो आपको उसका सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों चेक कर लेने हैं। अब जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होता है, मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा इसके ऊपर, आपको वो भी मिल जाएगी थोड़े टाइम तक, लेकिन अभी आपको बेसिक बता देता हूं। सपोर्ट का मतलब है कोई कॉइन बार बार, अगर किसी 100 रुपए का एक कॉइन है, अभी 100 रुपए के ऊपर चल रहा है, मैक्सिमम वो 150 के ऊपर जाता है, मिनिमम वो 50 के ऊपर जाता है, बार बार 50-60 के ऊपर जाकर फिर से ऊपर चला जाता है, 150 के ऊपर जाकर फिर से नीचे आ जाता है, तो 150 उसका रेजिस्टेंस हो गया, जहां से वो बार बार रिजेक्शन लेके नीचे आ रहा है, तो जो ऊपर वाला पॉइंट हो जाता है ना, वो हो जाती है रेजिस्टेंस। और जहां से नीचे जब वो डंप करता है तो बार बार 50 पर, 55 पर, 60 पर वो वापस ऊपर आ जाता है, तो मतलब 50 होगी उसकी सपोर्ट, जहां से वो नीचे नहीं जाता ऊपर आ जाता है। तो ऐसे करके आपने किसी भी कॉइन का जहां पर ट्रेड ले रहे हो उसका सपोर्ट और रेजिस्टेंस जरूर चार्ट को देख लेना है, चाहे आप बेगिनर लेवल पर हो तब भी देख पाओगे, चाहे आप एक्सपर्ट लेवल पर हो फिर तो आपको पता ही है। अब पांचवा पॉइंट क्या है, पांचवा पॉइंट है चूज ऑलवेज आइसोलेटेड ट्रेड विद मैक्सिमम 5x लेवरेज। अब दोस्तों, जहां पर एक सेवा ऑप्शन भी है वो ऑप्शनल है, पहले पांचवे के बारे में बात करते हैं। होता क्या है दोस्तों, हमने कॉइन भी टॉप रैंक का ले लिया, हमने अपने जो टोटल अमाउंट है उसको डिवर्सिफाई भी कर लिया, हमने जिस कॉइन के ऊपर ट्रेड लेनी है उसके अंदर 5 हिस्सों में डिवाइड भी कर लिया अपने फंड को, उसके बाद हमने ट्रेड लगाया, उसके बाद हमने उसका सपोर्ट और रेजिस्टेंस चेक कर लिया, उसके बाद आपको एक ऑप्शन मिलता है ट्रेड लगाने से पहले। वो क्या होता है कि जब हम फ्यूचर ट्रेडिंग करने जाते हैं ना, वहां पर दो तरह के ऑप्शन मिलते हैं, पहला होता है आइसोलेटेड मार्जिन, दूसरा होता है क्रॉस। आपको हमेशा ट्रेड करनी है अगर बैगनर लेवल के ऊपर हो तो आइसोलेटेड के अंदर। आइसोलेटेड के अंदर क्या होगा, मान लो आपने $100 लगाया फर्स्ट एंट्री के लिए और आपने लेवरेज रख दिया 5x, यानी कि 5 गुना ज्यादा, तो आपका वो $20 मार्जिन मिलेगा, $100 की पोजीशन लग जाएगी आपकी। अब अगर वो लिक्विडेट होता है ना तो $20 आपके लिक्विडेट होंगे, ओके, बाकी फंड आपका बच जाएगा क्योंकि आपने आइसोलेटेड जो है उसको चूज किया हुआ है, जितना फंड उसने उठाया है मार्जिन के लिए वहीं तक आपका लिक्विडेशन होगा, बाकी सारा अमाउंट आपका बच जाएगा। लेकिन अगर आपने क्रॉस सेलेक्ट कर दिया तो आपने $100 का ट्रेड लगाया था 5x की एवरेज के साथ, तो जैसे जैसे वो लिक्विडेशन के करीब जाता है ना, वो आपका सारे का सारा बाकी फंड भी यूज करने लगता है, यानी कि आपका वहां पर $100 का $100 ही चला जाएगा। तो ये एक बड़ा डिफरेंस है आइसोलेटेड और क्रॉस के बीच में। इसके ऊपर अलग से मैंने एक वीडियो पहले भी बनाया था, एक और क्लैरिटी वाइज मैं एक वीडियो बनाऊंगा, तो आपको वो भी वीडियो मेरे चैनल के ऊपर मिल जाएगा डेफिनेटली, ठीक है। तो अभी आपको बेसिक लेवल के ऊपर समझ आ गया कि आपने जो 5 रूल को कैसे फॉलो करना है। पहला रूल क्या था, दोबारा एक बार रिपीट कर लेते हैं, आपने टॉप का कॉइन लेना है। दूसरा रूल क्या था कि आपने अपने टोटल फंड को यूज नहीं करना किसी एक ट्रेड में, उसको डिवाइड कर लेना है। तीसरा क्या था, आपने अमाउंट लगाते समय किसी भी एक कॉइन के अंदर अमाउंट लगाते टाइम 5 हिस्सों में उस अमाउंट को डिवाइड कर लेना है। चौथा क्या था, आपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस को चेक कर लेना है। पांचवा क्या था, आइसोलेटेड चूज करना है और मैक्सिमम 5x की लेवरेज तक, इससे ज्यादा लेवरेज नहीं लेना आपको, वो आपका बहुत ज्यादा रिस्क हो जाएगा। ओके, अगर आप इन 5 रूल्स को फॉलो करोगे फ्यूचर ट्रेडिंग में, चाहे कोई भी एक्सचेंज हो दोस्तों, आपको प्रॉफिट लेने से कोई भी नहीं रोक सकता, लेकिन आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए। ओके, वो बहुत जरूरी है फ्यूचर ट्रेडिंग के अंदर, जल्दबाजी नहीं करनी। जो आपका टारगेट है सपोर्ट देखकर, जो आपने सपोर्ट लगाया है, जो आपने रेजिस्टेंस लगाया है, उन्हीं के ऊपर फोकस करके आप काम करोगे। ऐसा नहीं कि मार्केट गिर रही है तो जल्दी जल्दी मैं उसको बेच दूं, सेल कर दूं। मैंने जहां बाय और सेल की बात नहीं की दोस्तों, मैंने जहां पर ट्रेड लगाने की बात की है। प्रॉफिट कब आएगा वो आपने रेजिस्टेंस को देखना है। ओके, अगर आप थोड़ी से एक्सपर्ट हो तो आप इन्हीं ट्रेड्स के अंदर अपना स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट भी लगा सकते हो। जो सेवा रूल था वो ऑप्शनल है, अगर आप नहीं भी लगाओगे तो आपने फंड को पहले ही 5 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है तो भी आप प्रॉफिट में रहोगे। दोस्तों, इस तरीके से, इस स्ट्रेटजी को यूज करके अगर आप फ्यूचर ट्रेडिंग करोगे ना, डेफिनेटली आपको प्रॉफिट लेने से कोई नहीं रोक पाएगा। आपको आज का हमारा जो कंटेंट कैसा लगा हमें फीडबैक जरूर दीजिएगा।
डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल के लिंक, ऑफिशियली वेबसाइट के लिंक मिल जाएंगे, जहां पर आपको फ्री में क्रिप्टो के सिग्नल हम प्रोवाइड करते हैं, वहां से भी आप अपनी अर्निंग कर सकते हो। तो दोस्तों आगे फिर मिलेंगे आपके साथ नई अपडेट के साथ, नई इंफॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।